एडिक्टेड सॉन्ग जो है आ चुका है, तेगी पन्नू का फर्स्ट कोलैब था नवान संधू के साथ। तो इसका म्यूजिक मनीष संधू ने बनाया है, मेरा जो फेवरेट है मनीष संधू, बहुत अच्छा म्यूजिक बनाता है। तो मुझे बहुत ही पसंद आया म्यूजिक। म्यूजिक में जो है लूप्स यूज़ हो रखे हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप लूप्स को यूज़ करके कैसे भी बीट बना सकते हैं। मेरा जो धोखा गाना वो भी आ चुका है, जाके सुन सकते हैं। तो इस गाने में हमने जो है डायरेक्ट हमें लूप्स तो नहीं मिले हैं वो वाले, बट हमने यहाँ पे खुद बनाने की कोशिश की है। तो लास्ट तक बने रहेगा, जितने भी गिटार से यहाँ पे लूप्स हमने उन्होंने गाने में यूज़ किए थे, हमने यहाँ पे जो है मिडी के थ्रू ही जो है लूप्स वो बनाए हैं। तो लास्ट तक बने रहेगा, सब्सक्राइब करके जाए तो हम लास्ट तक देखेंगे गाने में जो है क्या काम हो रखे हैं। पहले हम गाना सुन के देखते हैं। कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी यही कॉपी पेस्ट हो रखा है। फर्स्ट ट्रैक में क्या काम हो रखा है हम सुन के देखते हैं। फर्स्ट ट्रैक में जो है यहाँ पे प्योरिटी यूज़ कर रखा है, जहाँ से गाने की स्टार्टिंग होती है। तो प्योरिटी में हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर रखा है, क्लीन पाइप DHY गिटार प्लग में यूज़ कर रखा है। सुन के देखते हैं। गाने का स्केल रहेगा B माइनर, ध्यान रखें। टेम्पो रहेगी 94, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए तो प्ले पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक यहाँ पे लाइव इंस्ट्रूमेंट बजा था, शायद मैंडोलिन थी, तो हमने यहाँ पे मैंडोलिन तो नहीं यूज़ की है, पर हमें सेम साउंड मिल गया है। DS की एशियन ड्रीम्स के अंदर हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है इसको, प्रीसेट को। कौन से प्रीसेट को यूज़ किया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पीपा ट्रेमेलो जो कि तुर्की इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। तो इसका यहाँ पे वॉल्यूम का हमने ऑटोमेशन करके डाउन कर दिया है, कुछ इस तरीके से जो है साउंड सुनने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट ट्रैक में जो है गिटार के जो लूप्स यूज़ हुए थे, हमने यहाँ पे लूप्स नहीं यूज़ कर रखे हैं, हमें नहीं मिले थे, तो हमने यहाँ पे एम्पल गिटार से डायरेक्ट बनाया है। सुनने के बाद सेम चीज़ बनाने की हमने यहाँ पे कोशिश की है, एम्पल गिटार में ले रखा है। सुन के देखते हैं हमने क्या चीज़ बनाई है। हमें सेम चीज़ सुनने को मिल रही है, लूप यहाँ पे बहुत अच्छा बना रखे हैं। हेलो गाइस, मैं हूं नितिन निश्चल, सिंगर सॉन्ग राइटर। तो हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का फुल कोर्स आ चुका है, बड़े ही कम प्राइस में, सिर्फ आपको 10,000 में मिलने वाला है। वैसे इसका प्राइस रहने वाला है 28,000 रुपये, पर आपको डिस्काउंट में मिलेगा। 70% में डिस्काउंट चला है, आपको सिर्फ 10,000 में मिलने वाला है। इसमें हम आपको मिक्सिंग मास्टरिंग भी सिखाएंगे, कोर थ्योरी भी सिखाएंगे, सारे बेसिक सिखाएंगे, हम बीट बना के देखेंगे। 30+ लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, सारे के सारे हिंदी में है। मिक्सिंग मास्टरिंग भी होगी, होम स्टूडियो किस तरीके से सेटअप करना है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसको मिक्सिंग कैसे करनी है, म्यूजिक की आपको जीरो नॉलेज है, सारा आपको इसमें पता लगने वाला है। सिर्फ हमारे कोर्स के अंदर आपको सारा सीखने को मिलेगा। प्लस आपको इसमें 200+ मेरे बनाए हुए सैंपल्स मिलने वाले हैं, आपको बाहर से सैंपल यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वोकल्स कैसे रिकॉर्ड करना है सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके सारी डिटेल जो है ले सकते हैं, और आप जो है कोर्स यहाँ से बाय कर सकते हैं। सेकेंड स्टेम में हमने क्या कर रखा है सुन के देखते हैं। प्योरिटी हमने यहाँ पे यूज़ कर रखी है। चैनल रैक पे चले जाएंगे, सुन के देखते हैं। पहले यहाँ पे हमने दो चीज़ें डाल रखी है, ठीक है। पहले हमने प्योरिटी में क्लीन DIY का ही गिटार डाल रखा है, सुन के देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब बाकी गिटार के साथ प्ले होंगे तो आपको जो है अच्छा सुनने को साउंड मिलेगा। अगर आप इसको सोलो में सुन लेंगे तो सेम चीज़ आपको साउंड अच्छा नहीं करेगी। ये आपका स्टॉप प्लग में ही आपको मिल जाएगा पिक ढम। तो यहाँ पे हमने स्लाइड्स को यूज़ कर रखा है कुछ इस तरीके से, सुन के देख लेते हैं। दोनों को इकट्ठा सुनेंगे, तो एक डिफरेंट चीज़ हमें यहाँ पे सुनने को मिल रही है, जो कि एक मिल के लूप बनाया गया था गाने के अंदर जो पड़ा हुआ है। हमने सेम जो लूप है खुद बनाने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट ट्रैक में जैस गिटार ले रखा है, जो कि स्ट्रोक प्लगइन है हमारा।
यहाँ पे जो कोर्स यूज रखे हैं जी सॉरी बी माइनर है, जी मेजर है और ए मेजर है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं हम। तो पीछे उन्होंने फिलर्स काफ़ी यूज़ कर रखे हैं, गाने को बिल्कुल भारी किया हुआ है फिलर्स को यूज़ करके। तो स्वीप डाउन यहाँ पे लगा रखी है हर जगह पे, थोड़े से चाइम्स लगा रखे हैं हर जगह पे, आपको सुनने को मिलेंगे। एक इन्होंने मनीष ने प्री ड्रम्स बहुत अच्छे यूज़ की हैं, तो मेरे को सेम चीज़ नहीं मिली, मैंने खुद का प्री ड्रम यहाँ पे क्रिएट किया है। किस तरीके से बनाया है, पहले मैंने ये ट्रैक यूज़ किया है, ये बेसिकली दुबई का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये नेक्स्ट ड्रम ने ये यूज़ कर रखा है। तो तीनों को इकट्ठा सुनेंगे क्या चीज़ सुनने को मिल रही है हमें, बहुत ही बढ़िया। शेकर्स के हमने यहाँ पे लूप जो है यूज़ कर रखे हैं, क्योंकि गाने में काफ़ी सारे जो लूप्स हैं शेकर्स के यूज़ रखे हैं, मे बी दो से तीन तरीके के शेकर्स गाने में यूज़ रखे हैं। पहला लूप आ गया शेकर का, दूसरा आ गया, तीसरा हमने खुद बनाया यहाँ पे, तीन लूप्स आ गए, तीनों को इकट्ठा प्ले करेंगे। तो इसी से जो है गाना काफ़ी भरा हुआ है। अब जो ड्रम्स की बात करते हैं, ड्रम में जो किक बहुत ही भारी यूज़ कर रखी है, मेरे हिसाब से दो से तीन किक्स यहाँ पे यूज़ कर रखी है, हमने भी सेम तरीके से यूज़ किया है। पहली किक जो हमने यहाँ पे कौन सी ली है, दूसरी कौन सी ली है, तीसरी कौन सी ली है, तो हम पूरा पैटर्न सुनेंगे। साथ में यहाँ पे क्लैप ले रखी है, निकल के आएगा सब कुछ ऑन करके। यहाँ पे बेस जो है बिल्कुल ही सिंपल यूज किया है, जहां पे किक है वहीं पे हल्का सा बेस दिया हुआ है, ताकि किक और भारी हो जाए, तो बाकी किसी भी जगह पे बेस नहीं आ रखा है। तो बेस बिल्कुल सिंपल था, एम्पल का हमने यहाँ पे बेस गिटार यूज कर रखा है, बिल्कुल सिंपल है। फोर्थ ऑक्टेव में हमने काम किया है, सॉरी थ्री में काम कर रखा है। तो देखते हैं, बस इतना सा काम है बेस में। एक बार हम पूरे ड्रम सुनेंगे, फिर हम पूरा गाना सुन के देखते हैं। इतना सा काम था, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाएं। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे कृष्ण, गॉड ब्लेस यू।